नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। खेत में काम कर रहे युवक पर तेंदुए ने किया हमला, चीख सुनकर बचाने पहुंचे ग्रामीण। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम। कटनी जिले के बड़वारा के ग्राम भजिया के समीप धनगवा गांव के एक युवक विकास यादव जब खेत में काम कर रहा था, तभी अचानक एक तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। युवक की चीख सुनकर ग्रामीण वहां पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद तेंदुए से युवक को छुड़वाया। वहीं तेंदुआ तुरंत ही खेत के पास झाड़ियों में जा छिपा और घायल युवक को ग्रामीणों ने तुरंत ही बड़वारा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां युवक का इलाज जारी है। वहीं इसकी सूचना मिलते ही कटनी जिले के वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उमरिया, बांधवगढ़ और जबलपुर के वन विभाग के अधिकारियों को तेंदुआ का रेस्क्यू करने के लिए बुलाया। कटनी DFO गौरव शर्मा ने बताया कि युवक पर हमला करने के बाद तेंदुआ पास में झाड़ियों में बैठा हुआ था, जिसके रेस्क्यू के लिए जबलपुर और बांधवगढ़ वन विभाग की टीम को बुलवाया गया था। वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के बाद जबलपुर से पहुंची कुंडम परियोजना DM सीमा द्विवेदी ने बताया कि सूचना लगते ही वो मौके पर आकर वहां का निरीक्षण कर रणनीति बनाकर तेंदुए को बांधवगढ़ की टीम के साथ 2 घंटे के रेस्क्यू के बाद तेंदुए को पकड़ लिया गया। तेंदुए के पैर में चोट के निशान है, जिसकी दवा कर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। तेंदुए को देखने के लिए क्षेत्र का पूरा जनसैलाब उमड़ पड़ा था। तभी पुलिस बल द्वारा समझदारी से पब्लिक को कंट्रोल किया गया और तेंदुए को उपचार के लिए रवाना किया गया। वन्य प्राणी का एक व्यक्ति के ऊपर हमला करने का मामला सामने आया है, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है और वन्य प्राणी कौन सा वन्य प्राणी था? ये भाई ये लेपर्ड है। यहाँ नहीं, एक्चुअली अरे यहाँ नहीं लगा। सूचना मिली करीब 10 बजे के आसपास। घटना स्थल पे पहुंचे हमारे वनिका सिंगम के कर्मचारी और प्लस क्षेत्रीय कर्मचारी। जैसे सूचना मिली वैसे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व की टीम को सूचित किया गया। वहाँ से रेस्क्यू टीम भी जल्दी से आई और उसका सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। तो आपने अभी बात करी हमला करने की, तो एक्चुअली वो हमला नहीं था। लेपर्ड चूँकि वहाँ पे था और ग्रामीण शायद उसके पास जा रहे होंगे, तो जरा सा उसको बाइट, मतलब बाइट या शायद नेल्स से खनोज टाइप से है, तो इंजर्ड नहीं है। उसको तत्काल चिकित्सालय ले जाया गया, उसका इलाज हो चुका है और वो अभी अच्छा है। मैडम, जानकारी लगी है कि वन्य प्राणी को भी चोटें आई हैं? हाँ, वो भी इंजर्ड है, उसके पैर में चोट लगी। डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं कि इसका परीक्षण करेंगे, पैर में थोड़ा सा चोट लगी। अभी रेस्क्यू करने के बाद कहाँ छोड़ा जाएगा मैडम उसको स्वस्थ होने के लिए? उसको अभी वरिष्ठ अधिकारियों से बात की जाएगी, उनके निर्देशन में मुकुंदपुर जू में प्रॉबेबली छोड़ने की संभावना है, क्योंकि उसको अभी वाइल्ड में हम नहीं रख सकते हैं जैसे उसकी कंडीशन है। क्या नाम मैम, पद बता दीजिए। मेरा सीमा द्विवेदी है, मैं कुंडम परियोजना मंडल में डिविजनल मैनेजर।